hello and good morning students now this is my fourth video of it after first chapter of civics uh, and uh, in this video we, we will discuss in a uh, same topic of a last video uh, why a country need constitution some points are the left so we will discuss same uh, students like our and a democracy we choose our leaders so that they can exercise the power रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर बिहाफ़ स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग जो भी लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं वो अपने पावर का यूज करते हैं और, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और पावर का यूज़ करके वो हमारी जगह पर काम करते हैं उसके बाद इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टैंड लेस डाउन द रूल्स डेट द गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज़ ऑफ द अथॉरिटी बाई दोलिटिकल लीडर्स इसके साथ स्टूडेंट्स जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है वह होता है कि वो हमेशा रूल्स और रेगोलेशन को बनाए रखने का काम करता है जो कि हमारे हमारे लिए गार्ड का काम करता है एक प्रोटेक्शन का काम करता है जो कि किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो होगा यानी कोई भी राजनीतिक नेता जो होगा राजनेता जो होगा वो कि, वो किसी भी तरीके से अपनी अथॉरिटी का अपने अधिकार क्षेत्र का मिसयूज़, यानी कि गलत प्रयोग ना करे इस चीज़ों को रोकने का काम करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ द राइट्स टू इक्वलिटी टू ऑल द पर्सन एंड सेज दैट द नो सिटीजन्स कैन भी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ़ द रिलीजियस रेस कास्ट जेंडर एंड द प्लेस ऑफ़ बर्थ इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो बता रहे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इन इन सारी चीज़ों की गारंटीज़ करता है यानी कि प्रतिभूति देता है कि जो राइट टू तो इक्वलिटी है यानी कि जो समानता का अधिकार है वो हर एक व्यक्तियों के लिए समान रूप से है ठीक है और वो ये कहता है कि, कि किसी भी तरीके से भारत के अंदर रहने वाला कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके धर्म के आधार पर उसके समुदाय के आधार पर उसके रंग रूप के आधार पर उसके जाति के आधार पर उसके लिंग के आधार पर यहाँ तक कि उसके जन्म के स्थान के आधार पर कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा द राइट टू इक्वलिटी इज़ द वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी यानी कि जिसे हम लोग समानता अधिकार बोलते हैं स्टूडेंट्स वो एक भारतीय संविधान के अंदर एक फंडामेंटल राइट्स है यानी कि एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान कराया गया है सारे लोगों को सारे भारतीयों को अनदर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस इन डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर टू अगेंस्ट द लेस पावरफुल ग्रुप्स और डेमोक्रेसी के अंदर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स उसका है डेमोक्रे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड कराने का यह है कि ये डेमोक्रेसी के अंदर इन चीज़ों को इंश्योर करते निश्चित करने का काम करते हैं कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप यानी कि जो भी ग्रुप मेजोरिटी में है या जो पावर में है जो अधिकार जो इसका अपने अभी अधिपत्य है वो किसी भी तरीके से दूसरे समूह जो कि कम संख्या में या कम शक्तिशाली हैं उनके ऊपर अपना कोई भी दुष्प्रभाव डालने का या अपना क्षेत्राधिकार दिखाने का काम ना करें

लेने से मेजरिटी द्वारा रोका नहीं जा सकता है यानी कि उसको पृथक नहीं किया जा सकता यानी कि मेजोरिटी और माइनॉरिटीज के लिए इक्वलिटी के इक्वल रूल्स को प्रोवाइड कराने का और इक्वल अथॉरिटीज प्रोवाइड कराती है और इक्वल राइट्स अवेलेबल कराने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रसियसली टू प्रिवेंट द टायरेंट और द डोमिनेशन बाई द मेजोरिटी ऑफ़ दाइन ऑफ अ माइनॉरिटी और इसके साथ बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका प्रयास ही रहता है और इस तरीके से हमेशा से प्रयास किया जाता है कि किसी भी तरीके से जो माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी है उसका वो किसी भी तरीके से माइनॉरिटी पर अपना डोमिनेशन यानी कि कोई भी एकाधिकार या एक तरीके से प्रभाव न जमाने का काम करे एंड दर्ड सिग्निफिकेंस रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेवस फ्राम आवर सेल्व स्टूडेंट्स एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी का जो डोमिनेशन का डिफरेंसेस है उसको तो बचाने का काम करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थर्ड है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें खुद से भी बचाने का काम करता है अब ये चीज़ें हो सकता है स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको अलग लगे कैसे लगे देखिएगा दिस में साउंड स्ट्रेंज बट वॉट वी मीन बाई दिस इट इज दैट वी माइट एट ऑल द टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशूज दैट माइट गो अगेन सो आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट दिस तो स्टूडेंट्स ये सुनने में आपको अलग लग सकता है कि अभी मतलब हमें खुद से कैसा बचाता है तो स्टूडेंट्स इस देखिए इसमें यह समझने हैं आपको कि जब भी कभी हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और जब हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं और उस चीज़ को स्ट्रॉन्गली फ़ील करने लगते हैं अपने से कोरिलेट करके कोई भी इशू जो हमसे रिलेटेड होता है तो वो हो सकता है कि जब वो लार्जर इंटरेस्ट पे जब हम यानी बड़ी मात्रा में जब उसमें हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और वो हमारे अगेंस्ट जाता है यानी कि वो हमारे हिसाब से हमारे अनुरूप नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो हम वहाँ पे कुछ भी जब गलत फील करने लगते हैं तो वहाँ पे कुछ गलत हो सकते हैं तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें इन चीज़ों से बचाने का काम करता है और वहाँ पे हमारे इस कंडीशन में वो हमें इन इसके खिलाफ जाने से हमें रोकता है और हमें एक सुटेबल तरीके से काम करने को समझाता है सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द सर्टेन डिसीजन दैट वी वी माइट टेक दैट द कुड हैव एन एडवर्स अफेक्ट ऑन द लार्जर पार्ट प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन और इसी तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प्स करता है टू तो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अगेन द सर्टेन डिसीजन किसी भी तरीके का हम जो कोई डिसीजन लेते हैं ठीक है उससे उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है जो डिसीजन हम लेते हैं वो मे भी कभी कभी हो सकता है कि वो एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है वो दूसरे लोगों पे बुरा प्रभाव भी डाल सकता है ऑन द तो लार्ज प्रिंसिपल्स जिसके कि काफ़ी बड़े सिद्धांतिक रूप से अगर हम देखेंगे तो उसका दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ सकता है और इसके साथ साथ देश पे और लोगों को जिस तरीके से कंट्री यानी जिस तरीके से देश को काम करना है उसके खिलाफ़ वो हो सकता है तो इन चीज़ों पर भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कंट्रोल करने का काम करता है कि हम कोई भी जो भी वर्क करें वो कंट्री के अगेंस्ट जाकर या उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर ना करें उन सारी चीज़ों को बताने का काम करता है और समझाने का काम करता है फ्राम देव ऑफ डिस्कशंस यू विल बी अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ तो इस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को देख करके समझा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का, का काम करता है कोई भी लोकतांत्रिक समाज होता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है संविधान की वो पूरी तरीके से समाज को चलाने का सुचारू रूप से चलाने का, का काम करता है Now let us try to understand the ways in which the above points get translated into the certain ideals and the rules, ideals and the rules by the, the, studying the key features of the Indian Constitution. So we'll like now let us try to understand. चलिए अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं. The तो, ways in which the above points get translated. कि किस तरीके से ये जो above points जो बिंदु आपको बताए गए हैं कि Constitution इस तरीके के कामों को करता है वो किस तरीके से किस ideal कुछ निश्चित विचारों के माध्यम से करता है कुछ निश्चित नियम के आधार से करता है वो नियम और कुछ वो विचारधाराएं किस तरीके से हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे जिसको समझने के लिए हम लोग उसके साथ साथ पढ़ेंगे स्टडिंग द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान के की फीचर्स क्या क्या हैं यानी कि कौन कौन से भारतीय संविधान के अंदर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं या खूबियाँ हैं या मुख्य खूबियाँ या विशेषताएँ हैं जो कि भारत के संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से संचालित करने का काम करती है यानी अब उसके मुख्य भाग के रूप में काम करती है तो सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो डील विद द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल डिस्कस डीप इन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स सो स्टूडेंट्स प्लीज गिव योर फीडबैक ऑन माई वीडियोज थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु आर स्टडिंग एंड क्लास एट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल थैंक यू हैव अ नाइस डे